तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम आपको सीलिंग फैन फिटिंग करने का सही तरीका और कनेक्शन करना बताएंगे। फ्रेंड्स ये जो हमारा सीलिंग फैन होता है, जब आप इसको नया में परचेज करते हैं तो वहाँ पे ये सीलिंग फैन फिटिंग होकर नहीं मिलता है। वहाँ पे फ्रेंड्स हमारा ये सीलिंग फैन अलग अलग पार्ट के अंदर होता है। फ्रेंड्स जो हमारा सीलिंग फैन का बॉक्स होता है उसके अंदर हमारा एक सीलिंग फैन का मोटर होता है, दो उसमें कैप दिया होता है, एक पाइप होता है, वहाँ पे एक क्लैंप और एक नटबोल्ट दिया होता है, और साथ ही फ्रेंड्स अलग से हमको तीन यहाँ पे फैन ब्लेड मिलता है। तो फ्रेंड्स इस सीलिंग फैन का फिटिंग बहुत सारे लोग करना नहीं जानते हैं, तो उसके लिए वो अलग से अलग टीसीआर रखते हैं जिसके लिए उनको 500 से 700 रुपया चार्ज देना होता है। वही फ्रेंड्स कुछ लोग इसका फिटिंग करते हैं लेकिन वो सही से नहीं कर पाते हैं, जिससे कि उनका पंखा हिलने लगता है या ज़्यादा आवाज़ करता है। बहुत से लोग इस पाइप के अंदर वायर को भी डालना नहीं जानते, कुछ लोग ऊपर से ही इसमें वायर कनेक्शन कर देते हैं, नहीं तो इस पाइप के अंदर वायर डालते हैं तो वायर कट कर देते हैं जिससे कि उनका पंखा बॉडी दिखाने लगता है। तो फ्रेंड्स अगर आप एक नया सीलिंग फैन परचेज करके लेके आ रहे हैं तो आप उसको कैसे फिटिंग करेंगे, कनेक्शन कैसे करेंगे, सब कुछ इस वीडियो में आपको डिटेल में मैं बता दूंगा। तो फ्रेंड्स हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, साथ ही फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल को क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाले सारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेगा। तो फ्रेंड चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। हमारा सीलिंग फैन है ये हमारा क्रॉपटन कंपनी का है। अगर आपके पास कोई दूसरा कंपनी का सीलिंग फैन है तो आप उसको भी इसी तरह से फिटिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये जो हमारा सीलिंग फैन का मोटर है, यहाँ पे सिंगल स्क्रू है, यहाँ पे डबल स्क्रू है। जो इस सीलिंग फैन का जो ये सिंगल सिंगल स्क्रू होता है, इस स्क्रू को आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि फ्रेंड देखिए इसी स्क्रू के साथ जो हमारा ये सीलिंग फैन का मोटर होता है वो यहाँ पे फिटिंग होता है। अगर आप इसको थोड़ा भी इधर उधर करेंगे तो इससे क्या होगा, जो आपका ये मोटर होगा इसका फिटिंग गड़बड़ हो जाएगा, जिससे आपका फैन भी जाम हो जाएगा और फैन भी सही से नहीं चलेगा। वही फ्रेंड देखिए जो हमारा भी डबल डबल जो स्क्रू दिया हुआ है, तो फ्रेंड जो आप नया सीलिंग फैन खरीदते हैं तो यहाँ पे आपको इस स्क्रू के साथ एक वाशर भी लगा रहता है, ठीक है। तो आपको उस वाशर को रिमूव नहीं करना है, उस वाशर को वहीं पे रहने देना है। उसके बाद फ्रेंड क्या करना है, देखिए जो आपका ये स्क्रू रहेगा, इस स्क्रू को क्या करना है, यहाँ से आपको निकाल लेना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, इस स्क्रू को यहाँ से खोल रहे हैं और फिर इसको हम यहाँ से खोल दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, खोल लिया है। खोलने के बाद फ्रेंड्स जो आपके सीलिंग फैन के मोटर में यहाँ पे एक वाशर रहेगा, उस वाशर को आपको यहीं पे रहने देना है, उसको निकालना नहीं है। उसके बाद फ्रेंड क्या करना है, देखिए जो हमारा ये सीलिंग फैन का यहाँ पे ब्लेड रहेगा, इस ब्लेड को क्या करना है, आपको उस वाशर के ऊपर रखना है। रखने के बाद फ्रेंड्स ये जो आपका स्क्रू रहेगा, इस स्क्रू को क्या करना है, आपको यहाँ पे लगा लेना है, ठीक है। आपको फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान देना है, आपका जो ये स्क्रू रहेगा आपको सिंगल को पूरा फुल टाइट नहीं करना है, पहले एक को ऐसे फंसा दीजिए। उसके बाद फ्रेंड क्या होगा, जो आपका दूसरा स्क्रू रहेगा इसको भी आपको क्या करना है, पहले यहाँ पे लगा लेना है, ठीक है। अगर आप पहले एक को टाइट कर देंगे तो दूसरा वाला सही से उसमें नहीं लग पाएगा, आपका जो ब्लेड का जो बैलेंस होगा वो सही से नहीं हो पाएगा। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको पूरा फुल टाइट करना है, ठीक है। ऐसे ही फ्रेंड देखिए यहाँ पे हमारा दो नट दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा दो नट दिया हुआ है। तो फ्रेंड जो हमारा ये बाकी का दो ब्लेड रहेगा, ठीक जैसे हमने इसको फिटिंग किया है, ऐसे ही फ्रेंड्स इस दोनों ब्लेड को हम यहाँ पे फिटिंग कर ले रहे हैं। उस फ्रेंड्स यहाँ पे हमने तीनों ब्लेड को फिटिंग कर लिया है, जो भी हमारा दो दो स्क्रू वाला पॉइंट था इसमें हमने क्या किया है, तीनों ब्लेड को लगा दिया है। आपको भी ऐसे फिटिंग करना है, जो भी इसका वाशर रहेगा उस वाशर को नहीं निकालिएगा, उसी में क्या करना है, आपको ब्लेड को फिटिंग कर देना है। उसके बाद फ्रेंड देखिए अब इस फैन में हमारा आता है ये पाइप। फ्रेंड देखिए जो हमारा ये पाइप होता है, अब इस पाइप को हम इस फैन में फिट करेंगे। उसके लिए फ्रेंड देखिए जो हमारा ये पाइप का दोनों पॉइंट होता है, दोनों पॉइंट पे हमारा होल दिया होता है, जैसे यहाँ पे देखिए हमारा तीन होल है और यहाँ पर भी हमारा तीन होल दिया हुआ है। फ्रेंड बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो हमारा ये पाइप है इसका किस साइड को हम यहाँ पे लगाएं और कौन से साइड को हम अपने सीलिंग में लगाएं। फ्रेंड देखिए मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता रहा हूँ, जो आपका ये पाइप रहेगा तो आपके पाइप का जो भी कट वाला साइड रहेगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर में कट लगा हुआ है और इधर में हमारा कट नहीं है, तो जो भी आपका कट वाला साइड रहेगा वो साइड आपका इस फैन में लगेगा, मतलब यहाँ पे लग जाएगा, और वहीं जिसमें कट नहीं लगा रहेगा वो जो साइड रहेगा उसमें आपका एक क्लैंप लगेगा और वो क्या होगा, आपका सीलिंग के साथ लगेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये वाला पॉइंट में हमारा कट लगा है तो इसको हम इस साइड में लगाएंगे। उसके लिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, देखिए अब इसमें हम वायर डालेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, पहले इसमें वायर डाल देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं जो आपका ये फैन का कैप होता है इस कैप को इसमें डालते हैं, ठीक है। तो जब आप इसमें वायर डाल दीजिएगा उसके बाद आप इस कैप को इसमें सही से नहीं डाल पाइएगा, ये इसमें घुसेगा नहीं तो क्या होगा, आपका वायर फिर से यहाँ पे कट हो जाएगा। तो पहले फ्रेंड्स क्या करना है, आपको इस दोनों कैप को इस पाइप के अंदर लगा लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करना है, जो आपका ये वायर रहेगा उस वायर को इस होल में डालना है, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए जो आपका एक कैप रहेगा, दो कैप में आप देखिएगा तो एक कैप में आपका जो भी कंपनी का फैन रहेगा
उस फैन का कंपनी का यहाँ पे नाम लिखा रहेगा, और एक में क्या होता है यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं होता है, ठीक है। तो फ्रेंड जिसमें आपका कुछ भी नहीं लिखा रहता है उसको आपको नीचे के साइड में रखना है, मतलब नीचे रखना है, और जिसमें आपका लिखा हुआ है ये आपका ऊपर के साइड में रहेगा। ऐसे आप दोनों में से किसी भी साइड में रख सकते हैं। फ्रेंड जो हमारा ये नीचे वाला कैप रहेगा इसमें हम क्या करेंगे, देखिए जो हमारा ये पाइप रहेगा इसको हमको क्या करना है, इसे अंदर से डालना है, और डालने के बाद फ्रेंड्स क्या करना है, जो आपका एक कैप होगा वो देखिए यहाँ पे नीचे के साइड में आ जा रहा है, ठीक है। वहीं फ्रेंड देखिए जो आपका ऊपर वाला कैप रहेगा इसको क्या करना है, आपको इसे ऊपर के साइड से डालना है, जिससे क्या होगा जो आपका एक कैप होगा ये यहाँ पे ऊपर साइड में हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपको ऐसे ही कैप को लगाना है। लगाने के बाद फ्रेंड्स क्या करिए, आप दोनों कैप को पहले एक साइड में यहाँ पे कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स अब इस पाइप के अंदर हम वायर को डालेंगे। फ्रेंड बहुत सारे लोग यहीं पे गलती क्या कर देते हैं, वायर को सही से नहीं डालते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जो आपका ये ऊपर का पॉइंट रहेगा इसमें आपको एक एक्स्ट्रा होल बीच में दिया होता है, मतलब एक होल यहाँ पे साइड में है जिसमें कि आपको एक क्लैंप को लगाना होता है, और एक होल यहाँ पे बीच में दिया होता है। तो फ्रेंड्स इसी होल से इसमें हमको वायर लगाना होता है। फ्रेंड देखिए ये वायर को सब लोग नहीं डाल पाते हैं, मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं वायर को सही से नहीं डालते हैं, उनको पता नहीं होता है वायर कैसे डालना होता है। फ्रेंड्स ये वायर इसमें ईजिली चला जाएगा, देखिए उसको हम कैसे डालते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जो आपका ये होल रहेगा ऐसे आपका जो दो वायर रहेगा दोनों वायर का जो यहाँ पे मुंडी रहेगा आप इसे जॉइंट कर सकते हैं, आप इसमें टेप भी मार सकते हैं कि दोनों एक साथ वहाँ पे जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमने दोनों को आपस में जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद फ्रेंड देखिए जो हमारा ये बीच का होल रहेगा इस होल से हम क्या करेंगे अपने इस वायर को ऐसे डालते जाएंगे, ठीक है। डालने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जो हमारा ये वायर रहेगा, अब ये वायर देखिए यहाँ पे सीधा क्या हो रहा है बाहर निकल जा रहा है, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ पहले आपको क्या करना है यहाँ पे बाहर निकाल लेना है। यहाँ पे देखिए हमारा ये वायर बाहर निकल गया है। आने के बाद फ्रेंड देखिए अब क्या करना है हमको इस वायर को इस होल से बाहर निकालना है, ठीक है। फ्रेंड देखिए जो हमारा ये वायर रहेगा ये वायर इजीली इस होल से बाहर हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए जो आपके पाइप में इसे कट दिया रहेगा इस कट में क्या करना है आपको इस वायर को यहाँ से डालना है। ये देखिए हमने क्या किया यहाँ पे डाला, और डालने के बाद आपको क्या करना है धीरे धीरे इस वायर को ऐसे आगे लेना है। देखिए आप देख सकते हैं हम इसको यहाँ पे लेके आ रहे हैं, और देखिए यहाँ पे होल के पास जैसे आएगा अब देखिए जो हमारा ये वायर है यहाँ से आसानी से यहाँ पे बाहर हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल कट भी नहीं लगा। अब आपको जितना कनेक्शन के लिए चाहिए आप इस होल से यहाँ से ऐसे दबाइएगा तो जो आपका वायर होगा वो यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने कितना इजीली इसमें वायर को डाल दिया है। ऐसे ही आपको वायर को डालना है। अब हमारा जो यहाँ पे फैन रहेगा यहाँ पे देखिए जो आपके फैन में सिंगल नट दिया होता है, ठीक है। एक आपका क्लैंप रहेगा जिसमें आपका दो नट लगा रहेगा, और एक आपका सिंगल नट दिया रहेगा जिसमें ऐसे एक लॉक भी लगा रहता है, ठीक है। आपको क्या करना है इस नट को क्या करना है यहाँ से पूरा बाहर कर लेना है, ठीक है। बाहर करने के बाद अब फ्रेंड देखिए जो आपका एक कनेक्शन का साइड है मतलब इसको हमको नीचे वाले साइड में लगाना है, तो इसको फ्रेंड हम क्या करेंगे इसके ऊपर ऐसे लगाएंगे, ठीक है। लगाने के बाद फ्रेंड देखिए जो आपका ये नट रहेगा इस नट को आपको क्या करना है, देखिए जो आपका ये फैन का यहाँ पे होल रहेगा इस होल से क्या करना है यहाँ पे बोल्ट को अच्छा से इसमें डाल लेना है, ठीक है। डालने के बाद फ्रेंड देखिए जो आपका यहाँ पे दो नट रहेगा उसमें से आपको एक नट को क्या करना है पहले इसमें लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपके पास अगर स्पेनर है तो स्पेनर से, नहीं तो आप प्लायर के भी मदद से इसको क्या कर सकते हैं पूरा फुल टाइट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे जो हमारा ये लॉक नट रहेगा इस लॉक नट को हम क्या करेंगे ऊपर से लगाएंगे, ठीक है। और लगाने के बाद फ्रेंड्स इसको भी हम क्या करेंगे अच्छा से पूरा फुल टाइट कर लीजिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे पूरा फुल टाइट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड देखिए क्या करना है जो आपका ये लॉक रहेगा, ठीक है, इस लॉक को आपको क्या करना है इस होल में इसे डालना है, और डालने के बाद क्या करना है इसको यहाँ से थोड़ा सा बेंड करना है जिससे आपका ये लॉक यहाँ पे निकलेगा नहीं, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारा फिटिंग हो चुका है। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, देखिए अब इसका हम कनेक्शन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा तीन पॉइंट होता है जिसमें कि एक हमारा कॉमन वायर लगा होता है, एक हमारा यहाँ पे रनिंग का वायर लगा रहता है, एक हमारा स्टार्टिंग का वायर लगा रहता है। तो फ्रेंड जो हमारा ये सीलिंग फैन होता है इसको हमको क्या करना होता है कॉमन और रनिंग के साथ कनेक्शन करना होता है, हमको स्टार्टिंग के साथ नहीं कनेक्शन करना होता है। तो इस साइड में देखिए जिस साइड में हमको कनेक्शन करना है इसमें हमारा दो पॉइंट रहता है और इधर में तीन पॉइंट रहता है। आपको फ्रेंड्स क्या करना है, देखिए जो भी आपका दो वायर रहेगा उसमें से किसी भी एक वायर को आपको क्या करना है जो आपका ऊपर का पॉइंट रहेगा कॉमन पॉइंट, आपका कॉमन लगाओ या कैपेसिटर वायर लगाओ जो भी लगाओ, तो यहाँ पे क्या करना है देखिए एक पॉइंट को क्या करना है आपको ऊपर में यहाँ पे लगाना है, चाहे फेस का वायर हो न्यूट्रल का वायर हो आप कोई भी इसमें आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड देखिए एक हमारा यहाँ पे दूसरा वायर बच जा रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको आपको क्या करना है, अब देखिए बीच वाले में हमारे यहाँ पे कोई भी स्क्रू नहीं है, सीधे हमारा क्या हुआ नीचे स्क्रू दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे जो हमारा नीचे का पॉइंट है इसमें हम क्या करेंगे जो हमारा दूसरा वायर है इसको हम क्या करेंगे यहाँ लगा ले रहे हैं, ठीक है।
लगाने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, जो इसका ये स्क्रू रहेगा, इस स्क्रू को आपको क्या करना है, पूरा फुल टाइट करना है आपको फ्रेंड्स, लूज नहीं रखना है, नहीं तो क्या होगा आपका एक कनेक्टर जल जाएगा बाद में। तो आपको क्या करना है, अच्छा से टाइट कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक ऊपर वाले पॉइंट में और एक नीचे वाले पॉइंट में एक एक वायर कनेक्शन कर दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब इस क्या करेंगे, हम कैप को नीचे करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स इसमें हमारा बचता है एक क्लैंप, ये जो हमारा क्लैंप होता है इसी को फ्रेंड्स हम यहाँ पे लगा के और जो हमारा छत में जो सीलिंग में जो हमारा हुक लगा रहता है उसी हुक के साथ इसको फिटिंग करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं आपको इसको हुक में लगा के और मैं आपको चला के दिखाऊंगा। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ओपन करेंगे और ओपन करने के साथ ये देखिए ये हमारा वायर निकला है इस होल से। उसके बाद जो बाकी का हमारा दो होल है इसी होल में हम क्या करेंगे, इसको डालेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस नट को डालेंगे और डालने के बाद क्या करेंगे, इस नट को भी यहाँ पे फंसा लेंगे। अभी आपको इसको फुल टाइट नहीं करना है फ्रेंड्स। चलिए अब इसको हम सीलिंग हुक के साथ फिटिंग करके दिखा देते हैं कैसे इसको हुक के साथ फिटिंग करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको इसको एक बार चला के दिखा दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से इसको फिटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हम अपने सीलिंग फैन को हुक के साथ फिटिंग कर लिया है। यहाँ पे देखिए हमारा जो ये हुक है इसमें हमने क्या किया, जो हमारा ये क्लैंप है तो आपको क्या करना है, पहले इसको लूज रखना है जैसे कि मैं आपको बताया था। उसके बाद इस रबड़ को इस हुक में डाल देना है। उसके बाद इस दोनों पत्ती को जो आपका रबड़ का होल रहेगा वहां पर रख के इस बोल्ट को लगाना है। लगाने के बाद फ्रेंड्स क्या करना है, आपको इस दोनों नट को पूरा फुल टाइट करना है। अगर आप इसको लूज रखेंगे तो आपका पंखा क्या होगा, ज्यादा हिले डुलेगा, मतलब आवाज भी करेगा। तो आपका यहाँ पे देखिए लॉक रहेगा, लॉक जो यहाँ पे आपका दिया हुआ है इसको आपको क्या करना है, इस होल में डाल के ऐसे आपको बेंड कर देना है। ठीक है, इससे क्या होगा, कभी भी अगर आपका नट लूज भी होगा तो ये खुल के बाहर नहीं आएगा, जिससे क्या होगा आपका पंखा कभी गिरेगा भी नहीं। ठीक है, देखिए जो हमारा भी पंखा का दो वायर रहेगा और जो आपका वायरिंग का दो वायर आएगा, जो भी आपका घर का वायरिंग होगा उससे जो आपका दो वायर फैन के लिए आया रहेगा, उसमें आपको क्या करना है, एक वायर में आपको क्या करना है, एक वायर का कनेक्शन कर देना है जो भी उसका फेस का वायर रहेगा। और वही फ्रेंड जो आपका ब्लैक कलर का वायर है उसमें क्या करना है, ब्लैक कलर का वायर जोड़ना है। यहाँ पे हमारा दोनों सेम कलर है तो हम क्या किए हैं, दोनों में एक एक वायर यहाँ पे जोड़ दिया है। ठीक है, जोड़ने के बाद फ्रेंड क्या करना है, देखिए जो आपका एक कैप रहेगा इस कैप को क्या करना है, अच्छा से आपको ऊपर ऐसे लगा देना है जिससे कि आपका जो ये वायर रहेगा ये वायर आपका बिल्कुल दिखेगा नहीं। और फ्रेंड्स हम आपको इस सीलिंग फैन को एक बार चला के दिखा देते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे हम इस सीलिंग फैन को चालू कर दिए हैं, आप देख सकते हैं जो हमारा ये सीलिंग फैन है बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, इसमें हमारा कोई भी साउंड नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी हमारा ये सीलिंग फैन हिल डोल कुछ भी नहीं रहा है, मतलब जो इसका फिटिंग हुआ है वो हमारा बिल्कुल परफेक्ट हुआ है। और साथ ही जो फ्रेंड्स हमारा इसका कनेक्शन है वो भी सही है, क्योंकि जो हमारा ये सीलिंग फैन है यहाँ पे सीधा डायरेक्शन में घूम रहा है। वही फ्रेंड्स अगर आप सीलिंग फैन से रिलेटेड और सारा वीडियो देखना चाहते हैं सीलिंग फैन के कनेक्शन के ऊपर, या अगर आपका सीलिंग फैन स्लो चलता है या कुछ बैरिंग प्रॉब्लम है, कुछ भी आपके सीलिंग फैन में प्रॉब्लम है, तो हमने सारे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया है, वीडियो आपको हमारे चैनल से मिल जाएगा तो आप जाके वहां पे देख सकते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स आप इस वीडियो को समझ गए होंगे कि जो हमारा ये सीलिंग फैन होता है इसका फिटिंग कैसे करते हैं, कनेक्शन कैसे करते हैं। फिर भी अगर आपके मन में कुछ भी डाउट है, अगर आप हमसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।